गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लोग हम बी एड फर्स्ट ईयर और डीएल फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या, व्यक्तित्व है क्या, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण क्या है, इनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है, जानना है कि हाँ व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलचाल की भाषा में एक ही लाइन में हम इसका जवाब दे सकते हैं कि व्यक्ति होते हैं उनके जितनी समस्त एक्टिविटी होती है, समस्त गुण होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं। अब जैसे व्यक्ति के समस्त गुण होते क्या है, और कौन कौन से उनके समस्त गुण है, जैसे आप ही हैं, आपके समस्त एक्टिविटी क्या है, तो आपकी समस्त एक्टिविटी में हो जाएगी जैसे आप झूठ बोलना, सही बोलना, अच्छा से बात करना। ठीक है, आपका शरीर की बनावट सुडौल है, आप किसी से झगड़ा नहीं करते, ये सारी जितनी भी एक्टिविटी है ये सब क्या है, आपकी व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो जैसे वुडवर्थ ने, वुडवर्थ क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, उनकी कहना था कि व्यक्ति के समस्त गुण को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्तित्व जो होते हैं इनके प्रकार क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे व्यक्ति दे दिया गया, अब इनके प्रकार क्या है, व्हाट इज टाइप, और व्यक्तित्व के प्रकार क्या है। तो आप बोलचाल के भाषा में सुने हैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। ठीक है, अब बहिर्मुखी किसे कहते हैं और अंतर्मुखी किसे कहते हैं, तो बहिर्मुखी स्टूडेंट कैसे होते हैं और अंतर्मुखी स्टूडेंट कैसे, ये भी क्या है, व्यक्तित्व ही है। तो बहिर्मुखी स्टूडेंट, बहिर्मुखी छात्र किसे बोला जाता है, बहिर्मुखी व्यक्ति किसे बोला जाता है, वैसे व्यक्ति जो समाज में, विद्यालय में, हर जगह क्या करते हैं, जो अपनी वाणी है, जो अपनी विचार है, जो अपनी एक्टिविटी है, वो गुण हो या अवगुण, उसको क्या करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने क्या करते हैं, उसको समक्ष बोलते हैं, समक्ष रखते हैं। ठीक है, और उनकी जो बात होता है उसको क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ लेते हैं, मैंने एक तो समझिए कि वो मैंने लज्जित नहीं होते हैं। ठीक है, वो ओपन क्या होते हैं, ओपन माइंड होते हैं, खुलेपन होते हैं, उनको किसी प्रकार के क्या होता है, किसी के सामने बोलने में हेजिटेशन नहीं होता। ठीक है, वही अंतर्मुखी स्टूडेंट होंगे या अंतर्मुखी छात्र होंगे, क्या करते हैं, वो सबके सामने बोलने में क्या होगी, उनको असमर्थता महसूस होगी, और सबके सामने क्या करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, वो सबके सामने क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो क्या करेंगे, अकेले में बोलेंगे, वो ऐसा बात नहीं कि वो क्या, वो मंद बुद्धि के होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंदर से उनको क्या होगा, हेजिटेशन होता है कि हम जिस बात को बोल रहे हैं वो बात कितना परसेंट क्या है, सत्य है कि असत्य है। ठीक है, उसका जो क्या करते हैं, जो निर्णय होता है पहले ही ले लेते हैं कि जो हम अपना विचार दे रहे हैं, जो हम अपना थिंकिंग दे रहे हैं, वो क्या हो सकता है कि गलत है, उसको उसे वैसे स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ गए उनके प्रकार में, जहाँ व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से व्यक्तित्व के प्रकार क्या होंगे, दो होंगे, एक अंतर्मुखी, एक बहुमुखी, एक सबके सामने बोलने वाला, एक किसी के सामने नहीं बोलने वाला, मैंने क्या समझे आप, एक सबके सामने जो विचार होगा उसको रखेंगे, और एक ऐसे होंगे जो किसी के सामने अपने विचार को नहीं, अकेले में विचार को रखेंगे। ठीक है, जानेंगे सब चीज, लेकिन क्या करेंगे, अपने आप में अकेले में वो भरोसा करेंगे, किसी दूसरे पर वो भरोसा नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है इनकी विशेषता, इनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट हम बताते हैं, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी में होता क्या है कि परिवार की जैसी एक्टिविटी होती है, जैसे गुण होती है, अब उनके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, उनके रिलेटिव, उसी के अनुसार बच्चा क्या होगा, उनका भी व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर अनुवांशिकता उनकी क्या है, हेरिडिटी तेज है, तेज बुद्धि के, ज्यादा समझदार उस व्यक्ति परिवार में, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसी के अनुसार अक्सर ज्यादा तेज होगा, समझदार होगा। वहीं अगर मन बुद्धि का कमजोर होंगे तो भी बच्चा क्या होगा, वो अभी क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, उसके बाद होता है कि सामाजिक फैक्टर। अब सामाजिक फैक्टर क्या करते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक,
अब सामाजिक फैक्टर एक होता है जैविकीकरण कारण, एक ये फिर क्या होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, और एक होता है क्या पर्यावरणीय कारण। अब बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, और बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है जैविकीकरण में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कि शरीर की रचना तथा स्वास्थ्य, अब शरीर की रचना तथा स्वास्थ्य, जितने भी शरीर पे जो भी फोकस करना होता है वो तो प्रकृति का देन होता है, लेकिन साथ साथ में क्या होती है अपनी भी जो जिम्मेवारियां होती है, उस जिम्मेवारियों को क्या करना है उसके साथ साथ में निभाना पड़ता है कि कब क्या खाना है, कैसे रहना, कैसे सोना है, किससे बात करना है, ये सारी चीज क्या करता है हेल्थ संबंधी मोटिवेट इस पे करता है, मतलब फिजिकल एंड हेल्थ, मतलब शरीर की बनावट के आधार पर हेल्थ पे क्या करना विशेष फोकस करना। उसके बाद शारीरिक रसायन एवं अंतःक्रिया, मतलब शरीर के लिए कौन कौन सी चीजें क्या है अनिवार्य, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, वो भी क्या है एनवायरमेंट को देखते हुए, मौसम को देखते हुए। उसके बाद क्या हो गया आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है जो मानसिकता हो गया, जो थिंकिंग आ गया, ठीक है, जो आपने सोचने समझने की क्षमता होगी, तो जैसा आपका नर्वस सिस्टम रहेगा उसी के अनुसार क्या होगा आपको सोचने समझने बोलने बात करने कुछ पढ़ने लिखने इस सारी चीज क्या होगा नर्वस सिस्टम के क्या होगा अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय कारण, पर्यावरण संबंधी कारण क्या होता है, अब देखिए उसमें पर्यावरण है क्या, अब पर्यावरण संबंधी कारण में विकास कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले पर्यावरण आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, अब इस इन्वायरमेंट के अनुसार क्या होता है आपका विकास होता है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं क्योंकि हम पर्यावरण पर्यावरण कारण है वातावरण एनवायरमेंट कारण है, फर्स्ट में हम देखते हैं कि सामाजिक फैक्टर, सामाजिक कारक। अब सामाजिक फैक्टर है क्या, ठीक है, सोशल फैक्टर है क्या, तो आप जिस समाज में रहते हैं अब उस समाज के क्या होते हैं एक अंग हो जाते हैं, और जितने भी क्या होते हैं वहां पे एक्टिविटी को दिखाया जाता है किया जाता है, आप उसको क्या करते हैं आसानी से देखते हैं उसको अनुकरण करते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं आप भी करना प्रारंभ करते हैं। तो हम समाज में ही रहकर झूम सच ईर्ष्या क्रोध प्रेम सहानुभूति दया इत्यादि सारी चीज हम कहां से सीखते हैं सोसाइटी से सीखते हैं समाज से सीखते हैं। उसके बाद होता है क्या सांस्कृतिक कल्चर, संस्कृति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब संस्कृति जिस कल्चर में रहते हैं, मतलब आप जिस कास्ट में रहते हैं जिस समुदाय में रहते हैं, जैसे हिंदू हो गया मुस्लिम हो गया सिख हो गया ठीक ईसाई हो गया, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसकी जो क्या होती है जो वाणी होती है जो क्या होते हैं रूल होते हैं जो नियम होते हैं आप क्या करते हैं उसको आसानी से समझते हैं। क्यों आसानी से समझते हैं कि आपके सामने जो वर्क होता है क्या होता है प्रत्यक्ष होता है, और अपने जो जो भी धर्म होते हैं जो भी रिलीजन होते हैं आप उसको क्या करते हैं प्रत्यक्ष दिन प्रतिदिन देखते हैं और उसको अनुकरण करना आपके लिए क्या होता है आसान होता है, ठीक है। इसलिए कि क्या कहां से अनुकरण करते हैं अपने फैमिली से अनुकरण करते हैं अपने परिवार से अनुकरण करते हैं, और अपनी जो धर्म होता है उसको हम क्या करते हैं मान मर्यादा होता है उसको हम क्या करते हैं ज्यादा देते हैं, ठीक है। वहीं दूसरे अपोजिट उसके दूसरे कम्युनिटी होंगे उसके जो कल्चर होंगे जो उनके रिलीजन होंगे उसको हम क्या करते हैं उतना वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि अपने तुलना में हम उसको क्या करते हैं कम देखते हैं। लेकिन एक एजुकेशन एक शिक्षित होने के नाते हमें क्या करना चाहिए जितनी भी कम्युनिटी है जितनी भी कल्चर है सभी को क्या करना चाहिए एक समान देखना चाहिए उसी में किसी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास क्या मेरी जहन में ये सारी होनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति मेरा जो सोच होने वो क्या हो पॉजिटिव हो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है आर्थिक कारण, आर्थिक होता है क्या बैकग्राउंड आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या होता है सबकी जो बैकग्राउंड होती है जो सबकी आर्थिक स्थिति होती है क्या एक समान होती है बिल्कुल नहीं होती है। अब जिनकी आर्थिक स्थिति जैसे होगी उनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या होगी वैसे होगी, ठीक है। अगर मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम क्या बाइक पर चढ़ने वाले तो बाइक पर चढ़ेंगे, लेकिन वही मेरी आर्थिक स्थिति क्या है मजबूत है तो हो सकता है कि हम स्कॉर्पियो बोलेरो फॉर्च्यूनर सभी पे चढ़ सकते हैं या अपनी आवश्यकता की चीज हम क्या करते हैं जितना से महंगा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं खरीद सकते हैं कर सकते हैं। तो क्या ये क्या होता है आर्थिक उसके बैकग्राउंड पे क्या करता है और डिपेंड करता है, ठीक है। इतना तो हम लोग देखें और पर्यावरण कारण क्या होता है पर्यावरण के अनुसार हमें क्या करना चाहिए
जो भी वर्क करना चाहिए उसी को करना चाहिए। और इसी के साथ साथ बच्चे क्या होते हैं, उनमें ईगो की भावना होती है, ये भी आपको मोटिवेट करती है। अब ईगो जैसे बच्चा होता है उनके पास सोचन शक्ति समझ क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, और उस बात को क्या करता हुआ समझ नहीं पाता है, अपने आप में उनके पास ईगो घमंड की भावनाएं होती है, जिसका क्या होता है परिणाम जो होगा वो अपोजिट होता है, गलत होता है। ठीक है, तो यही सब हम लोग को क्या करना था, इसमें देखना था। उसके बाद निर्धारण माप में, पांच लिखे निर्धारण मापन। अब निर्धारण मापन में क्या होता है, व्यक्तित्व में आपका जैसे क्या होता है एक्टिविटी होगा, जैसे आप क्या कीजिएगा समाज में अपना वर्चस्व दिखाइएगा, उसी के अनुसार आपकी क्या होगी मान मर्यादा होगी, उनको क्या किया जाएगा निर्धारण किया जाता है। एक एक किसी व्यक्ति में क्या होता है, किसी प्रकार का क्या होता है निर्धारण। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, अब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, चार पांच टाइप का होगा। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद रिक्त होगा, उसके बाद लघु उत्तरीय होगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय होगा। ठीक है, तो जितना हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा उसी के अनुसार जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको क्या करेंगे कैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें सरल कौन सा लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा रिक्त स्थान जो रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भरते हैं। उसके बाद हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं, अंत में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाते हैं। ये कौन बनाता है, जितने अगर अक्सर मंद बुद्धि के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं सरल से लेकर कठिन की तरफ चलते हैं। अगर वही बच्चा जो प्रतिभाशाली होगा, जो जीनियस होगा, ठीक है, जो समान श्रेणी से होगा, वो क्या करेगा सबसे पहले अच्छा मार्क्स वाला होगा उस क्वेश्चन को कैच करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न क्या होते हैं लंबा होते हैं, और उसमें क्या होता है मार्क्स भी होता है, क्या होता है अच्छा होता है, ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए टेकअप करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमें ठीक करना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें क्या होता है बहुत समय, बिल्कुल समय कम समय की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए उसे टेकअप करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है आपके व्यक्तित्व पर निर्धारित करता है। अगर आप चाहे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त है, वहां पे अनेक चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, बेंच, लाइट, पंखा, ये सारी चीज क्या होता है आपके व्यक्तित्व पर निर्माण करता है। अगर आप आगे हैं तो ये सारी चीजों के क्या करना चाहिए हमें देखते हुए सभी को आवश्यकता की पूर्ति करना, ताकि इससे भी क्या होता है इस फैक्टर के कारण भी बालक का क्या होता है विकास होता है। उसके बाद नाटक या खेल विधि। अब नाटक या खेल विधि, नाटक या खेल विधि में परीक्षार्थी पूर्व नियोजित नाटक या खेल को स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेते हैं, और परीक्षार्थी नाटक या खेल में अभिनीत अपनी भूमिका के माध्यम से गुण एवं विशेषताओं को प्रकट करते। कहने के तौर पर कि जब हम खेल खेलते हैं तो खेल विधि के द्वारा हमें क्या होते अनेक चीज देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, और उसी के अनुसार हमारा क्या होता है व्यक्तित्व का आचरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप हम व्यक्तित्व में क्या चाहिए इतने सारे चीज। उसके बाद होता है कि व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हमें करना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। आप जिस क्षेत्र में क्या करें अपने व्यक्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं वहां पे क्या होना चाहिए सबसे पहले एक ही चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करने से होगा क्या कि जो भी वर्क हम करते हैं क्या होगा एक ऐसा समय टाइमिंग आएगा कि अभ्यास की हुई चीज हम इतना आसानी से सरल से कर लेंगे कि हमें उसके तरफ क्या होगा देखने और सोचने समझने की क्या होती है जरूरत नहीं होती। उसके बाद होता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी बात, अपने विचार को खुद हमें क्या करना चाहिए प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, हमें लिखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। उसके बाद जीवन का इतिहास। अब जीवन का इतिहास क्या होता है, जो हमारे पूर्व पहले जो परिस्थिति गुजर चुकी है उसको हमें याद करते हुए क्या करना चाहिए आगे की राह को देखना चाहिए, ताकि उसे होता क्या है कि जो आपका जो विकास होगा वो क्या होगा एक शिड्यूल, एक समय सारी, एक नियम रूल के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या व्यक्तित्व के, और व्यक्तित्व हमें क्या करता है इसी के अनुसार हमें क्या करता है वो मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी को यही पे इसको हम लोग रहने दें कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व क्या है तो आप डायरेक्ट व्यक्तित्व
ये व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। मनुष्य जो होते हैं उनके जो समस्त गुण होते हैं उन गुण को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व बोलते हैं। और व्यक्तित्व हमारे क्या करते हैं, निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष फोकस करते हैं। हमेशा मनुष्य की व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, एक दूसरे से समतुल होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके व्यक्तित्व क्या है एक समान है, सभी में क्या है कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जिस तरह इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस में दुनिया के सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी या सभी सजीव प्राणी क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसी के अनुसार व्यक्तित्व भी है, पर्सनालिटी भी है, ये भी क्या है एक दूसरे से भिन्न होती है। तो आज इसको आप क्या, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एमडी अशोक गांधी चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।